सब्सक्राइब कीजिए जागो किसान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ तिल की खेती के बारे में। गर्मी के मौसम में आपके खाली पड़े खेत में आप तिल की खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। 20 फरवरी के बाद में आपको तिल की खेती की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप अपने पहली जो फसल का जो खेत है, जो पहले जो आपने फसल ली है, उस खेत को आप कल्टीवेटर से ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से आप उसकी पहली हकई कर दीजिए और उसके बाद में आप रोटावीटर चलाइए और फिर आप उसमें कियारे बना दीजिए। कियारियाँ बनाने के बाद में आप कियारियों में तिल का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात है आपको बीज का चयन करना। बीज का चयन आप अच्छी क्वालिटी के बीज का ही चयन करें। प्रति कियारियों के हिसाब से बीज की जो मात्रा है वो आपको चयन करना है कि एक कियारियों में कितनी बीज की मात्रा जानी चाहिए। इसके लिए आप एक बीघे में जो वो 1.25 से 1.5 किलो जो बीज की मात्रा की आवश्यकता होगी, उस बीज को आप कितनी कियारियाँ हैं आपके एक बीघे में उसको आप डिवाइड कर दीजिए, उसका भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक कियारियों में बीज की मात्रा कितनी होगी। तो बीज का छिड़काव करने के बाद में फिर आप कियारियों के हिसाब से पानी छोड़ दीजिए और ये पहला पानी होगा आपका। दूसरा पानी आपको मैं बताना चाहूँगा कि 4 दिन के बाद में आप दूसरा पानी दे दीजिए और फिर तीसरा पानी जो है वो आप 1.25 से 1.5 महीने के बीच में दे दीजिए और जो चौथा पानी है वो उसके 1 महीने बाद में फिर आप पानी छोड़ दीजिए। बस फिर आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फसल 2 जून के आसपास पककर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।